25 से लेकर 30 नवंबर तक कोलकाता के साई गार्डन में आयोजित सब जूनियर वुशू नेशनल प्रतियोगिता में पानीपत की 10 साल की बच्ची नेहा ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में पानीपत का नाम रोशन किया। देखिए ये रिपोर्ट। 25 से लेकर 30 नवंबर तक कोलकाता में हुई सब जूनियर वुशू नेशनल प्रतियोगिता में पानीपत की 10 साल की नेहा ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में पानीपत का नाम रोशन कर दिया है। गोल्ड जीतने के बाद जब नेहा पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो परिजनों और कॉलोनी वासियों ने नेहा का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। परिजनों ने कहा कि बेटी की कामयाबी को लेकर उनको गर्व है। महज 10 साल की उम्र में एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतने वाली गोल्ड मेडलिस्ट नेहा 7 साल की उम्र में गोल्ड जीतना शुरू कर चुकी, जहां उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रतियोगिता में जीता था। अब तक नेहा नेशनल और जिला स्तर पर 15 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। नेहा और मैं कलकत्ता से मेडल जीत के लाई और गोल्ड मेडल जीत के लाई, जीता है। जम्मू कश्मीर से भी गोल्ड आया था और पंजाब से भी गोल्ड आया। अब मैं तीसरी बार खेल रही हूं, नाम। नेहा के पिता खुद एक कोच हैं, जो अपनी एक एकेडमी चलाते हैं, जिसमें 5 से 10 बच्चों को कोचिंग देते हैं। नेहा के पिता ने बताया कि इससे पहले गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, तब 2.5 लाख रुपए मिले थे। अभी 3 लाख से ज्यादा इनाम मिलने की घोषणा हुई है। आज ये नेशनल में लड़की मेडल लेकर आई है, गोल्ड मेडल, कोलकाता से साइंस स्टेडियम है, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई है। ये अपने 25 से लेके 30 तक के वहाँ मैच थे, टूर्नामेंट थी, तो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई है। जिसकी इसने पहले भी मेडल लेके आई थी, उसकी इनाम राशि मिल चुकी है इसको 2,10,000 रुपये। अब सुनने में बात आई है 3,10,000 रुपये से ये गोल्ड मेडल लेके आई है। वुशू संघा, उसके अंदर से गोल्ड मेडल लाई है। अब तक के इसके 3 नेशनल में गोल्ड मेडल है। अब तक नेहा 15 ही प्रतियोगिता खेल चुकी है और 15 प्रतियोगिता में से 15 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। इस छोटी सी बच्ची ने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी सफलता हासिल कर सबको चौंकाया है और इस छोटी बच्ची को सलाम है। खबरें अभी तक के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।